Whitney, I need a bag, bruh. Send it through quickly. I'm making his dog like I'm in a big league. Told him that I gotta go, dog. I'm riding. Welcome back to my new video. तो यार आज अभी मैं ना आपको एक छोटा सा सरप्राइज देने वाला हूँ। आज सरप्राइज तो क्या यार, मैं बता ही देता हूँ आपको ऐसे ही। तो यार अपनी ने एक और होटल में अभी ओपन कर लिया है, तो उसका भी इतने दिन काम चल रहा था और अब उसका कल है ओपनिंग। उसका कल ओपनिंग है तो अभी जाएंगे और आपको मैं पूरी होटल दिखाऊंगा, पूरी होटल का रिव्यू कराऊंगा। इतनी बड़ी नहीं है, फाइव स्टार नहीं है, लेकिन अपने लिए है बस। तो अभी हम वही जा रहे हैं तारा विहार दोनों। अभी आ चुका हूँ मैं होटल, तो होटल में आके और अभी ऑफिस में बैठा हूँ, तो थोड़ा बहुत सामान लाया। तो हमने ना पहले जाके सामान लाया पूरा, उसके बाद गाड़ी वहाँ करी है और ये अपना ऑफिस है। अभी सेटअप नहीं हुआ अभी तो पूरा, तो मैं कोई आपको ना पूरी वो दिखाता हूँ और सारा सब कुछ सब बताता हूँ, सारे लोगों को रेस्टोरेंट जितने भी सब। ये अपना गार्डन, ये गाड़ी करिए, ये गार्डन हो गया अपना। वो ये हो गया रेस्टोरेंट, ये रेस्टोरेंट हो गया था पूरा। और ये ऑफिस के पास वाली खिड़की है, खिड़की रखी है। तो ये हो गई रसोई, ये काम कर रहा है। ये सारा सामान लेके आए थे हम, गए थे तब, इस वजह से थोड़ा लेट हो गए हम। काम कर रहे हैं तो मैं रिव्यू तो करवाऊंगा ना होटल का। तो ये पूरा मतलब किचन है, बड़ा किचन है ये तो। प्योर उसका सारा सामान लेकर आया, सारा टोटल जितना भी था ना सारा सामान लगाया, क्योंकि कल ओपनिंग है तो कल कम निपटना चाहिए जो भी है। एस्टे लेकर आए बल्कि कुछ, तो काम कर मैं जब तक ऊपर जाके आता हूँ। ये गार्डन मैं थोड़े दिन बाद में पूल बना देंगे यार, अभी गार्डन गार्डन रखा है अभी ये ऊपर। तो ये हो गया ऊपर का सीन। यहाँ एक रूम है और यहाँ तीन रूम है, टोटल मतलब चार ही रूम है अभी फिलहाल, और बाकी रूम सब बाद में है। तो पहले ये वाला खोलता हूँ, तो ताला लगा। ये तो ये घंटी दो ससा, यो अभी थोड़ा बेड अलग करवाया पहले, अगर रूम छोटे थे ना, अभी थोड़ा बेड अलग है। ये अलमारी हो गई और ये संडास हो गया। तो ये रूम है, ये पीछे हो गया पूरा, ये जो अलमारी रखी है वो पूरा। तो ये बिल्कुल है ना, ये रोड के पास, ये बिल्कुल रोड के पास, मैं दिखाता हूँ। यो रोड के पास ही है बिल्कुल, ये गाड़ी गाड़ी अपनी। यहाँ मतलब थोड़े दिन टाइम बाद में वहाँ है ना पूल बनाने के लिए बोल रहे थे, पूल बनाएंगे बाद में, ले अभी नहीं। तो ऊपर छत तो क्या बताऊँ यार, अब मैं आपको जो समझदार है वो इसी का काम लेगा। देखो अभी नीचे चलते हैं। अभी ये पिज्ज़ा हो गया, ये बर्गर के लिए भी लेकर आए, ये सैंडविच के लिए सारा सामान, ये चीज़ वीज़ बटर वटर सब ए टू जेड। तो यहाँ कुक ये रहेगा हजारों, इसी को बनाया जाएगा सारा सामान, टोटल सामान लेकर आ गया अभी। तो और क्या काम बाकी रह गया, आप पानी की बोतल पीने गए पानी। अभी ना थोड़ा सामान लेना है डी मार्ट, तो कुछ बाकी रह गया था तो बस वही जाना है अभी। इधर आओ ना भैया, अगर हम सुबह है क्या कौन सी तगड़ी गाड़ी है, पहले नंबर दे तो मेरे को आके क्या वो लल्लू ही तो नहीं है ना। अभी हम जा रहे थे सिटी में, तो हर 100 मीटर के दायरे में दो पुलिस वाले खड़े हैं। देखो ये ना मैं बताता हूँ उनको, ये देखो ये गाड़ी, देखो ये पुलिस वाले खड़े हैं, ठीक है अब देखना ये कहाँ, ये देखो ये दौड़ जा रहे हैं। अब मैं आपको और बताता हूँ, देखो मतलब हम यहाँ से 5 किलोमीटर आ गए, अभी 5 किलोमीटर के अंदर हर 100 मीटर के अंदर दो पुलिस वाले खड़े हैं, हर 100 मीटर के अंदर वो खड़े हैं मतलब। हाँ देखो अरे देखो ये यहाँ पुलिस वाले बैठे हैं, ये देखो
तो हर जगह जगह पुलिस वाले बैठे, हर जगह जगह हर थोड़ी देर में पुलिस वाले मिल रहे हैं, हमको गाड़ी मिल रही है, कहीं पे बैठे हैं पुलिस वाले। मतलब दो जो वाइट ड्रेस में होते हैं वो जो आरटीओ से होते हैं, और दो जो थाने से होते हैं वो, मतलब टोटल चार जने बैठे, कहीं पे ज़्यादा भी बैठे हैं, कहीं पे कम बैठे हैं। ये लड़ाई हो रही है इनके बीच, गाड़ी खराब, आ जा। ये देखो, देखना, ये देखो यहाँ पर खड़े। अब इन दोनों बीच तो लड़ाई छोड़ो, मुद्दे की बात दूसरी करते हैं। हर थोड़ी थोड़ी देर में हमको पुलिस वाले मिल रहे हैं, हर थोड़ी थोड़ी देर में। ये देखो, ये और मिल गए, देखो अंकल जी, ये आज क्या हुआ है? आज क्या हुआ है? सीएम आ रहा है। अच्छा, सीएम आ रही है। अच्छा, आज सीएम आ रहे हैं आज। हेलो साहब, तो अभी अपना सेकंड डे स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि सब हुआ कि कल ना बहुत ज़्यादा मैं बिजी हो गया था, और मतलब काम धाम में सारा सेट करना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था मेरे। तो अभी मैं जा रहा हूँ, सुबह नहा लिया मैंने, और कपड़े चेंज करने, तो मेरे को घर जाना पड़ेगा, घर जाके फिर कपड़े चेंज करूँगा, और फिर अपने दारू भैया को लेके फिर जाएंगे हम सामान लेना। तो सामान लेके सारा नाश्ता वास्ता जो भी है वो लेके हम जाएंगे होटल। मतलब था ना, ऑफ रोडिंग हो जाती है गाड़ियों की बरसात के अंदर, छोटी छोटी हमारी गाड़ियों की। पानी तो खतरनाक चल रहा है। इस हिसाब से तो है ना, आज ये मान लो हमारे गांव का जो तालाब होता है ना, वो खत्म भर जाएगा पूरा चकाचक मस्त। ये खड़ी अपनी गाड़ी, बरसात में आ रही है आज तो। फिर मैं दारू बिया को लेकर आता हूँ, और फिर थोड़ा वापस आके कपड़े चेंज करके और फिर चलेंगे। ओके यार, आज बरसात का मतलब बरसात का मज़ा आ रहा है, बहुत शानदार। मुझे तो कार में, लेकिन वैसे मज़ा आ गया। दारू बिया तो क्या बात है, ये बस गाड़ी खड़ी है भैया। तो मैं अभी जा रहा हूँ, मतलब महेश भाई के साथ आ गया मैं, गाड़ी तो ही खड़ी कर दी, दारू भाई को दे दी। कौन सी स्पॉन्सरशिप की बात करते रहते हैं दिन भर, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी। अभी वो है ना, हम पहले जा रहे हैं पुष्कर, पुष्कर को थोड़ा काम है, क्योंकि मेरे बिल्कुल नेट बंद है पूरा अजमेर में, सब पूरा सन बंद है ना, तो ये पता नहीं पूरा सन बंद बंद है। तो अभी मैं जा रहा हूँ पुष्कर, ताकि वहाँ थोड़ा नेट चलेगा, नेट चलने के बाद मैं थोड़े पैसे ट्रांसफर करूँगा, फिर पैसे निकालना है कैश मेरे को, इस वजह से। तो अभी बरसात भी बहुत जोरदार आ रही है, खतरनाक बरसात आ रही है, जबरदस्त। भाई भाई चुप हो जाना, बात करने देना मेरे को। किससे बात कर रहे तू? कंपनी वाले हैं यार। कौन सी कंपनी है? हेलो, तेरे पता को अब सेम टू सेम ये बोलर निकल रही है, वैसे अभी हमारी हमारी गाड़ी निकली थी। देखो ये देखो, कैसे बोल रहे हो, जल्दी 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 I-20 पानी घुस जाए, पानी घुस जाए। ओह खतरनाक भाई साहब, ओ भाई साहब, ये देखो धुआं, देखो धुआं निकल रहा है गाड़ी में, आपने टेम्पो ने पूरा धुआं धुआं कर दिया भाई साहब। देखो ऐसी ऑफरोडिंग होती है हमारे राजस्थान में, और सेम पुष्कर में भाई, पुष्कर में डेजर्ट मिलेगा, पानी मिलेगा, सब मिसम मिलेगी, सब सब मतलब जब बरसात आएगी ना, तब ये हिमाचल और मनाली की तरह काम करता है, सब फेल सब फेल। अब ये सीन होता है अजमेर में, अजमेर में सारी चीजें मिल जाएगी A to Z आपको। ले माता जी का नाम और चलने दे, चलने दे। अरे यार पहले आप जाओ यार, अब मेरी गाड़ी यहाँ ऑफ रोडिंग करेगी, पानी के अंदर तैरेगी अभी थोड़ी देर में। ये देखो I
I'm in a bitch. Tony don't miss me. Ballin' like Houston. Ayy, feelin' like Whitney. I need a bag, bruh. Send it through quickly. I'm making his dog. Like I'm in the big leagues. Told him that I gotta go, dog. I'm riding a road, y'all. I think that I'm back in my bag now. So I need that go, yo. It's got to be Kali. गाड़ी फंस गई भाई साहब। भी आदमी ने बीबी को दिया था ये बंदे मतलब खतरनाक सीन था यार भाई। मजा आ रहा है गाड़ी चलाने में। गाड़ी चलाने में जी दग कर रहा था मेरा। खतरनाक शिप है, शिप शिप पानी के अंदर चल रही है। अगर मेरी शिफ्ट होती तो वो शिप हो जाती हो। अभी तो फोन करता यार भाई। यार फिर का वो कंपनी पटकनी है यार गाड़ी को। यार चलो यार मेरे साथ। फिर ये सीन होता गाइस वहां पे तीन गाड़ियां फंस चुकी थी बीच में। हमने देखा होगा तीन गाड़ियां। तो अभी अमित भाई क्या रुकते पहले तो फिर नेट चलाते हैं। ये क्या आ रहा है? ये क्या आ रहा है? ये झरना है। झरना तो गाइस अभी नंबर प्लेट देखो गाड़ी। और हमने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया गाड़ी का। ओ भाई साहब अभी टेम्पो में जा रही है। कैसे निकलेंगे? और तू क्या कर रहा है? मैं तो कुछ नेट चालू करने कैसे आपकी होटल की ओपनिंग कैसे रही? नेट चालू करने भैया। भैया ये वाईफाई वो लाइट नहीं आ रही ना इस वजह से। अरे यार ओ माय गॉड निकल चुका है। और बारिश अभी भी नहीं रुकी। देखो पुष्कर की पूरी पहाड़ देखो वो खतरनाक दिख रही है। खतरनाक सीन हो रहा है। तेरे को कैसे लगा? हाँ मजा आ रहा है यार। ये तो ना बारिश आती जा रही है लगातार। पता है ये ना अब आने लगा है पुष्कर। ये बरसात में कभी पुष्कर आया ही नहीं है। पर इस साइड में तो आया ही नहीं कभी। अब इसको सीन दिखा रहा हूँ तगड़े तगड़े वाले सीन। गाइस मैं इसको सीन दिखा रहा हूँ मस्त मस्त तगड़े तगड़े सीन। ये तो क्या देख रहा है? वो देख वो सीन देख इतना खतरनाक। ऊपर से देख वो बादल देख। ऊपर से वो निकल रहा है पहाड़ में से। क्या अभी जो खतरनाक झरने वरने चल रहे होंगे यार। कृपया अपना ब्रेक जांच ले वरना आप नीचे जा सकते हो। जा चुके जांच ले। मैंने जाता तो पीछे वाला डूब जाएगा। अब की जो अगली जो बरसात आएगी ना उसमें आएंगे आप घूमने के लिए। सर अभी है ना मैं होटल आ गया। और इनोग्रेशन तो हो गया था। सर बरसात आई तो सारा तेज से हो गया। मतलब इतना हुआ कुछ नहीं। आए सब थे मतलब सब तो नहीं बोल सकते मतलब आधे आए थे लेकिन हो गया था। तो अभी मैं बता रहा हूँ ये टेंट में लगाए ऐसे रह गए थे। फिर क्या करें? फिर कुछ हुआ ही नहीं। और भैया वगैरह आ रहे मतलब ये देखो तेरे घर से आया हूँ अभी तो। ठीक है भैया खाना खिला देना। आप तो बहुत बहुत बड़ी है। ठीक है भैया क्या खाना है तेरे को? हाँ क्या खाना है भैया? वो अभी पिज्जा ऑर्डर किया था वो खाना है। तो अभी आने वाला है वो तो तेरे लिए। भैया मैं यहीं बैठूँ या अंदर हूँ? छोटा बच्चा वगैरह हाँ ना। हाँ कौन बोला? तो फिलहाल मतलब ओपनिंग अपनी हो चुकी है। सारा सिस्टम हो गया अपना। तो अब चलते घर। और वीडियो आज यही एंड कर रहा हूँ मैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना बिल्कुल। तो जय हिंद जय भारत। ओके okay.